हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, थंबनेल समझ गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। आज का ब्लॉग मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। आज महावीर जयंती है और युवराज का बर्थडे भी है और हम लोग लेने जा रहे हैं हमारी ड्रीम कार, जो कि हमने काफ़ी टाइम पहले प्लान करी थी लाने की, लेकिन हम नहीं ला पाए थे। लेकिन अब भगवान के आशीर्वाद से हम जा रहे हैं कार लेने। और इधर देखो, ओह हेलो हेलो, चले गया चले। तो पहले चलते हैं अपन युवराज को बर्थडे विश करते हैं सबसे पहले। हेलो ब्रो। हेलो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, एंड आपको भी कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू कार। इतना धीरे बोलोगे क्या? न्यू कार, मेरे माइक नहीं लग रहा है, जोर से बोलो। फॉर न्यू कार और टीम। ओके युवराज, हैप्पी बर्थडे। ओह हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बर्थडे ले। तो गाइस, आज हम लोग लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं अपन बता। हाँ, अपन क्या लेने जा रहे हैं बता। कांच खुलने वाली बाइक। बाइक नहीं लेने जा रहे? हाँ, कांच खुलने वाली, मतलब कि सनरूफ वाली कार युवराज के लिए आ रही है। तो युवराज सनरूफ से मैं निकलूंगा तेरे से पहले। पहले मैं पहले चल, ऐसा कर ले, स्टोन पेपर सीजर कर ले। स्टोन पेपर सीजर, मैं जीता। स्टोन पेपर सीजर, चल बदल लिया वापस, लास्ट टाइम स्टोन पेपर सीजर। दोनों निकलेंगे अपन। नहीं वापस, स्टोन पेपर सीजर। अब देख, तू चेंज कर लिया ना वापस, स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। यो, यू भी जीत गया। अरे मैं दोस्त। कितना शैतान है। अब ये निकलेगा युवराज, निकलेगा आप तो सनरूफ से बाहर। तो चले अपन गाड़ी लेने, चलो। सो अभी निकल गए मैं और कमल भैया हमारी थार लेके। थार अभी भैया लॉक नहीं खुल रहा, अंदर से खुलेगा। वाओ मस्त, इस पुरानी गाड़ी का मजा अलग है, फिर नई में बैठेंगे थोड़ी देर बाद में, बेल्ट लगा लेते हैं। सो अभी हम लोगों ने हमारे कार के लिए नया केक ले लिया है यहाँ से, केक कंट्री से। अभी चलते हैं केक लेके। तो गाइस, फाइनली आ गए हम हमारे शोरूम पे गाड़ी लेने के लिए टोयोटा के। अब देखते हैं कौन सी कार है, सब के लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ तो पूरा ब्लॉग देखोगे तो ही पता लगेगा कि हम उन्हें कौन सी कार ली है। तो चलो चलते हैं। सो यहाँ पे चल रही है डॉक्यूमेंट्स का काम अभी, ये देखो। इधर आ जाओ ना, ये गाड़ी आने की बहुत ज्यादा बड़े पापा को भी हो रही है। चले ब्रो, चलो 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 जल्दीबाजी के अंदर। मैं और कमल भी हम दोनों माला लाना ही भूल गए, मतलब अजय भैया ने मामा को बोला था कि माला लेकर आना गाड़ी के लिए, और वो लाना ही भूल गए। अब ढूंढ रहे कहाँ मिलेगी माला। तो चलो देखते कहाँ मिलती है, पर मिलेगी जरूर, मंदिर के पास में उधर मिल जाएगी, आज तो मिल जाएगी, पर आज महंगी मिलेगी यार, बहुत ज्यादा। सभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा पपोट हो गया कि हमारे को पता नहीं था कि वो बड़ी माला के लिए पहले ऑर्डर करना पड़ता है। हम देखें कि ऑन द स्पॉट अपन को मिल जाएगी, तो वहाँ तो मिली नहीं, और अब बोल रहे हैं कि आधी एक घंटा लगेगा बनाने के अंदर माला, और अभी हमारा टाइम निकल जा रहा है, मुहूर्त था 1:15 का, 5 मिनट ऊपर हो गए। तो अजय भैया कॉल आ रहा है, तो अभी माला फिर बाद में देखेंगे कभी। चलो चलते हैं अभी तो, क्यों ब्रो चले। ओके चलो चलो, लेट अस गो। युवराज ये वाली, ये ओह युवराज की न्यू कार। सो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ और आप देख पा रहे हो हमारे पीछे खड़ी है हमारी ड्रीम कार। कैसा लग रहा है भाभी जी आपको? मस्त मत लग रहा है ना मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से संभव है ये सब चीजें। वाह 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 गाइस, बहुत एक्साइटेड हो रही है आप सब लोगों को दिखाने में कि ये कौन सी कार है। आप कमेंट करके बताओ, देखे बिना आप पूरा ब्लॉग देखे एक बार कि कौन सी कार है। और गाइस लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है आज, खुशी मिल रही है मेरे को। अरे भैया कांग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू सो मच युवराज।
कौन सी गाड़ी है बताइए? पता ही नहीं। और इधर ये हाय, और ये हमारे युवराज का बर्थडे केक है। वाह वाह वाह, देखो कितना प्यारा केक है। और ये केक बनाया हमारे केक कंट्री जयपुर ने। और गाइस बहुत ही प्यारा केक है ये। और जैसा हमारा केक वैसी हमारी कार। ये देखो सामने हमारी हाई राइडर, और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। मतलब इसको तो चलाने का ही मन कर रहा है कि बस इसको लेके भाग जाऊं। आपको इस वाली गाड़ी से मतलब है? इस वाली गाड़ी से मतलब नहीं है ना, इस वाली से मतलब है। फिर ये मैं खा लूं फिर। और आज सबसे ज्यादा खुश है हमारा युवराज अपना बर्थडे का केक देख के। ये देखो कैसे मोमबत्ती को बचा रहा है, कहीं ये बुझ ना जाए। और ये देखो सब लोग बहुत खुश है कार को देख के। मैं बाहर रही हूं। अच्छी, बहुत शानदार लाल रंग। आपको कैसी लगी भाभी जी? मस्त। लो कमल भैया निकालो बाहर गाड़ी। गाइस अब मेयर कमल भैया बहुत खुश है, क्योंकि हम जब भी कहीं बाहर टूर पर जाते थे ना, अजय भैया हमारे को बोलते थे गाड़ी चलाने के लिए परेशानी नहीं होगी। अब पैर नहीं दुखेंगे हमारे, एक पैर तो मस्त रहेगा। सो गाइस अभी टाइम है गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालने का। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने हमारी कार यहाँ से ले लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में। तो अभी चलते हैं हमारी थार से। ये अपनी थार जिंदाबाद। अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे मंदिर में। ये देखो ये मंदिर है यहाँ पे गणेश जी का, और मेरे गुरु जी का मंदिर भी यही है। तो अभी हम लोग हमारी गाड़ी को यहाँ पे लेके आए, इसकी थोड़ी सी पूजा पाठ करवाएंगे, उसके बाद चलते हैं अपन घर पे। सिंघम देखो प्रभु श्री राम। आ रहे भी 2 मिनट में आ रहे। और ये है हमारे गणेश जी महाराज का मंदिर। सो गाइस फाइनली पूजा वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे घर पे। आरता आरता आरती हो रही है और गाड़ी की, और सेंट वॉटसन आ गया पीछे। सो गाइस अभी कार वार लेके मैं आया हूँ घर पे, और घर पे आते देखो मेरे को ये क्या बोलती है। क्या हुआ अभी तू? कौन मारा तेरे को आज? चाचू मारा? कैचू मारा? एचू मारा? वाह वाह वाह, क्या लेके आई तुम? कुछ लेके आई हूँ। क्या? देख एक तो ये वाली टी शर्ट। अच्छा बड़ा अच्छी लग रही है। मस्त मस्त लग रही है। अच्छी लग रही है। और एक ये वाली कैसी लग रही है? ये तो यार लड़कियों की है, तो मैं पहन लूंगी। तू ही पहनना इसको। वैसे ये मैं मेरे लिए लाई हूं, ये तेरे लिए लाई हूं। ओके अच्छी लग रही है ना? मस्त मस्त शानदार। अरे अरे जी को क्या कर रही है इसे? कहां से निकल गया ये देख इसको। और भी बहुत कुछ लाई हूं मैं मेरे लिए। हां इसके क्या हो रहा है? अरे बेटी
वाओ बहुत सारी शॉपिंग है इसकी शादी के लिए कर रहे हैं। ये देखो ये मेरे लिए सैंडल लेके आए हैं, ये मेरे लिए चूड़े लेके आए हैं, देखो ये मैं चूड़े पहनूंगी इसकी शादी में पहनूंगी। जब गाइस आप देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी, प्लीज मेरे सैंडल देखना, प्लीज मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर लगेगा गाइस। देखो ये बच्चा वो ये विनायक बनेगा। सो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि हमने हमारी न्यू कार ले ली है, और हमने हमारी न्यू कार ली है टोयोटा की हाई राइडर, और ये सब पॉसिबल हो पाया आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी फाइनली न्यू कार आ चुकी है। और गाइज मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा हमारी फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमने जब उसको ऑन रोड उसको हम लोग लेके गए, हमने उसको चलाई, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो पर्सनली। लेकिन आप पूरा ब्लॉग देखना कल का, बहुत मजा आने वाला है। और अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपका आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी।